चाहे दिवाली हो या दशहरा हो, सभी में रंगोली का बहुत महत्व है और रंगोली बनाना बहुत ही सिंपल है। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ फ्लावर से यानी कि गेंदे के फूल से और गुलाब से आप ब्यूटीफुल सी रंगोली कैसे बना सकती हैं सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है, आप देख सकती हैं कि गुलाब लिया है मैंने और गेंदे का फूल। गेंदे का फूल वैसे दो तरह का आता है लेकिन अभी मेरे पास जो ऑरेंज शेप में आम मिलता है वो वाला गेंदे का फूल मेरे पास है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सिंपल सा रंगोली जो बता रही हूँ मैं आपको, इसको कैसे हमें डेकोरेट करना है। तो वैसे तो दो तरह के आपके जो गेंदे का फूल यानी कि मैरीगोल्ड दो तरह के आते हैं, एक येलो आता है और एक आता है ऑरेंज शेप में। तो अगर दोनों आपके पास है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, आप एक बार ऑरेंज वाला डेकोरेट कर सकती हैं और एक बार आप जो लाइट येलो है वो डेकोरेट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ मेरे पास सिर्फ ऑरेंज है तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले डाला ग्रीन कलर का पार्ट मैंने डाला है। आप उसके जगह पर व्हाइट फ्लावर अगर आपके पास है, अब ग्रीन आप क्या डालेंगी वहाँ पर आपके ये क्वेश्चन होंगे। तो ग्रीन अगर आप आम के पत्ते होंगे, पान के पत्ते होंगे, सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। कुछ नहीं होगा तो दूब यानी कि जो घास मिलता है पत्ता पतला वो भी होगा तो मंगा लीजिए और उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। और उसके बाद ग्रीन वाला पार्ट जहाँ भी आप चाहे डेकोरेट कर सकती हैं। उसके बाद मैंने ये जो आपके गेंदे का फूल है वो डाला है मैंने, ये देखिए। और उसके बाद फिर मैंने गुलाब का एक लेयर लगाया है और फिर मैं यहाँ पे रोज जो आपका मैरीगोल्ड है यानी कि गेंदे का फूल उसको फिर से मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए एकदम फिनिशिंग देंगे धीरे धीरे करके अच्छे से, बहुत ही आराम से आपको डेकोरेट करना है, कुछ जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं जाना है। ये देखिए अब चारों तरफ से जब फूल आप फैलाएंगे उसके बाद आपको हाथों के हेल्प से अच्छी तरह सभी का शेप जो है अच्छी तरह से दे लेना है यानी कि एक साइज का कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे ये हो गया और अब तो ऐसे ये आपका रंगोली ये भी परफेक्ट है। लेकिन मुझे क्या है कि थोड़ा सा आउटलाइन जो है थोड़ा सा डार्क कलर का होना चाहिए तो, और इससे क्या होता है कि आउटलाइन जो आप देती हैं तो आपको पूरे रंगोली का कलर जो है लुक जो है उभर के सामने आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप यहाँ पे रोज़ की जगह पे आप जो मैंने पत्ते का बताया है वो भी आप छोटे छोटे कटिंग करके डाल सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए बहुत लवली लग रहा है, आप डोर पर बना और इसे सेंटर में भी बना सकती हैं या आउटसाइड भी बना सकती हैं, बालकनी में बना सकती हैं, ये हर जगह बहुत खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। आप देख सकती हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए आप सभी को मेरी रंगोली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह आप अपने दिवाली को दशहरा को इंजॉय कीजिए। जय माता दी।